नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का ये वीडियो है राशि चक्र की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपके लिए क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो शुक्र जो है वो तुला राशि में चल रहे हैं, जो कि चलेंगे 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर के बाद शुक्र चलेंगे आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर। तो शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए सक्सेस जोन के अंदर है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। तो शुक्र ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है। छठवें एवं सप्तम स्थान के अंदर शुक्र का जो ट्रांजिट है आपको एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से लाभ करवाएंगे। और 10 दिसंबर के बाद जो शुक्र चलेंगे सप्तम स्थान के अंदर, तो ये आपके लिए पार्टनरशिप में भी सक्सेस देने वाले बनेंगे। और अविवाही जो जातक हैं इनको विवाह के योग करवाने वाले भी बनेंगे। तो शुक्र का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है। ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह का ट्रांजिट क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह प्रिडिक्शन जो है वो सूर्य का है। तो सूर्य आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर है और राशि परिवर्तन करते हैं 15 दिसंबर को रात को 9:33 को सूर्य चलेंगे धनु राशि के अंदर। तो धनु में जाने वाले सूर्य आपके लिए शुभ नहीं होंगे। राशि से अष्टम स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए शुभ नहीं होंगे। तो उसकी कारण क्या होगा कि खास करके पारिवारिक मामलों में आपको केयर करना होगा। और 15 दिसंबर के बाद आपको अपने हेल्थ के बारे में केयर करना होगा। अपने रिलेशन के अंदर खास करके पारिवारिक सदस्य, अपने फैमिली मेंबर्स हैं और जो भी जातक विवाहित हैं उनको अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। तो 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। और मंगल ग्रह का बात करें तो मंगल आपके 10वें स्थान के अंदर, 11वें स्थान के अंदर है। 24 दिसंबर तक मंगल का फल आपके लिए शुभ है। 24 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपके 12वें स्थान के अंदर। यहाँ पर जो मंगल अपने राशि अपने घर के अंदर चलेंगे, लेकिन स्थान 12वां है जिसके कारण मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, खर्च आपके बढ़ेंगे। तो 12वें स्थान में जब मंगल होते हैं तो उसको गोचर ट्रांजिट के अंदर मांगलिक दोष भी कहलाएगा। तो बदलने के बाद मंगल का जो ट्रांजिट है 24 दिसंबर के बाद, 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक मंगल चलेंगे अश्विनी नक्षत्र में। तो ये ट्रांजिट खास करके जो वृषभ राशि के अंदर रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए मंगल की ट्रांजिट शुभ नहीं होगी 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है ये वृषभ राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए वध नक्षत्र में आता है। तो खास करके आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि मैटर में लॉसिस आ सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक का जो समय है वो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। यदि आपका जन्म का सूर्य रोहिणी नक्षत्र है या तो आपका जन्म का चंद्र भी रोहिणी नक्षत्र में है। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल है। अश्विनी नक्षत्र की जो योनि है ये अश्व योनि है, अश्व माने घोड़ा, तो आपको घोड़े को खिलाना होगा। तो ये समय के दरमियान 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक आप रोज घोड़े को खिलाएं, और रोज पॉसिबल ना हो तो मंगलवार को खास खिलाएं। तो सूर्य ग्रह का भी भ्रमण आपके लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक शुभ नहीं होगा। 15 दिसंबर तक सूर्य केतु के साथ चलेंगे तो यहाँ पर आपके ग्रहण योग बनेगा और आपके चंद्र के ऊपर ऑलरेडी राहु चल रहे हैं तो डबल ग्रहण का इफेक्ट आपके ऊपर है। और गुरु की दृष्टि आपकी राशि के अंदर है जिसके कारण आपकी मानसिक संतुलन, प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले हैं, नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं और
पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, आपके भाई बहन से सपोर्ट रहेगा, भाई बहन से लाभ रहेगा और आपके संतान सुख में वृद्धि करने वाले हैं, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। तो गुरु ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है, शनि के साथ भाग्य में वृद्धि करने वाला है और राहु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, जिसके कारण लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। खास करके इस मंथ के अंदर जो बुध का ट्रांजिट है वो भी देख लेते हैं। तो बुध जो है वो 17 दिसंबर को चलेंगे धनु राशि के अंदर, तब तक बुध चलते हैं वृश्चिक राशि के अंदर। तो बुध सप्तम स्थान के अंदर भी शुभ नहीं है और 17 दिसंबर को सुबह 11:44 को धनु राशि में जाएंगे, तो ये ट्रांजिट भी बुध का शुभ नहीं होगा। 8वें स्थान में बुध चलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस आपके नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें, क्वेश्चन एक लाइन के अंदर लिखना है, हम आपको व्हाट्सएप में आंसर करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का एक बटन जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार, जय गणेश। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।